सो गाइज, ट्रैफिक बहुत है पर कन्वर्जन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है जब भी वो सीपीए का कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, पर उनका जो कन्वर्जन है बहुत ज़्यादा लो है, या तो कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। वो तीन बड़ी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो सकता है आप उसको फिक्स कर दो और आपका कैंपेन बहुत ही ज़्यादा बूम पे रन करे। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये तीन गलतियाँ करते हैं। अगर वो तीन गलती आप सही से सुधार लो तो वो जो कैंपेन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा लो है, तो आप उस कन्वर्जन को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हो। लाइक द ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक उतना कन्वर्जन। तो अगर आप जानना चाहते हो इस चीज को कैसे किया जाता है, कैसे क्या चीजें परफॉर्म करती हैं, सो इस वीडियो में रहना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो माय नेम इज टीएन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड ताकि हम और लोगों की हेल्प कर सके और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आते रहूं। उन सभी सीपीए ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके और वो सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही ऊपर और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो वो तीन गलती जो आप कर रहे हो सकता है आप नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन तीन चीज़ों को सही से करोगे, थोड़ा सा दिमाग में रख के करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो 100% ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि यही लोग बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं ये तीन चीज़ों में। सो क्या चीज़ है जान लेते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। तो गाइज एज यूजुअल मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा वो तीन चीज़ें, वो तीन गलतियां जो आप कर रहे हो सकता है आप नहीं भी कर रहे हो, कोई तीसरा करता हो, तो जो भी करता हो उस तक ये चीज़ को पहुंचाओ। और अगर आप नहीं भी करते हो तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि ये तीन पिलर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीन पिलर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन देते हैं। तो सबसे पहला जो पिलर है डेट इज़ कॉल्ड रॉन्ग टारगेटिंग। गाइज देखो गेटिंग, ठीक है। सो गाइज रॉन्ग टारगेटिंग क्या है, देखो क्या होता है। मुझे एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, अगर आप समझ जाओगे तो यू आर द किंग। ओके, सो अगर एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है और मुझे उसका एड लगाना है, एफिलिएट मार्केटिंग का कोई सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे अनलिमिटेड ईमेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसका मुझे ऐड लगाना है, तो अब मैं जब ऐड लगाने जाऊंगा तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स के लिए है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटर्स मतलब जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो स्पेसिफिक लोगों की ईमेल निकाल के उसको देता है। लेकिन अगर मैं टारगेटिंग में लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन और नॉन एमएलएम मार्केटर और लाभ 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 ऐसे बहुत सारी चीज़ें भर दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे किससे मतलब है, मुझे तो मतलब एफिलिएट मार्केटर से, लेकिन मैंने तीन एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ भर दी हैं, ठीक है। चलो डिजिटल मार्केटर भी थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन एमएलएम मार्केटर ऑनलाइन अर्नर ये दोनों रिलेट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा घुसा दोगे तो जो फेसबुक है वो मानता है कि जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे, जितना इररिलेवेंस जाओगे, उतना वो आपको अच्छा बेटर परफॉर्म करके चीज़ें नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे ही करते हो, आप सोचते हो कि और मेरी रीच बढ़े। हर न्यूबी यही सोचता है कि रीच बढ़ेगी तो मुझे ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में डालो, रीच आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, कम रीच में भी आपको अच्छा खासा कन्वर्जन मिल जाएगा, लेकिन आपका जो एड है वो टारगेटेड होना चाहिए। कभी भी आप बिना टारगेट इररिलेवेंस चीज़ों पे, इररिलेवेंस कीवर्ड्स पे अगर रैंक करोगे अपने जो आपका प्रोडक्ट है, आपका एड है, तो आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। इससे आपका CTR, CPC भी बढ़ेगा और प्लस आप ज़्यादा पैसा दोगे और आपको उतना अच्छा कन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो जो टारगेटिंग है उसको थोड़ा समझो और अपने ऊपर लिया करो। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता हूँ तो मैं कैसे सर्च करूँगा, इस टाइप का सोचा करो और उस कीवर्ड्स पे चीज़ों को रैंक कराया करो, ना कि ज़्यादा रीच के चक्कर में इररिलेवेंस कीवर्ड्स का यूज़ किया करो। और वहाँ आप क्या करते हो, आप अपना पोटेंशियल रीच भी खोते हो और प्लस कन्वर्जन भी आपका लो होते जाता है और आपको ज़्यादा पैसे चार्ज किया जाता है पर लीड का। तो ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो गाइज जो सेकेंड चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बैड लैंडिंग पेजेस, बैड लैडर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। बैड लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं गाइज, देखो
लैंडिंग पेज बनाने का अलग अलग तरीका होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गाइज देखो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो मार्केटर हैं यूट्यूब पे या जो पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो फॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं, तो गाइज देखो इनका बेसिकली एम क्या है, अर्निंग करना, ठीक है। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, वो लोग जो आपको बता रहे हैं कि हर बार वो लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कि यस नो ऑप्शन बटन, ठीक है। चलो ये अभी काम कर रहा है, ठीक है, ये इस समय काम कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक एड्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये यस और नो ऑप्शंस का जो गेम है वो हर कैंपेन के लिए काम करे। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी आजकल रिसेंटली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा बूम पे है कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि ऑप्शंस का, देखना लैंडिंग पेज बनाते हैं, वहाँ पर यस नो का ऑप्शन देते हैं, लोग क्लिक करते हैं और फिर उस पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हमेशा और हर कैंपेन के लिए काम आए। तो आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ देख रहे हो कि हाँ वो चीज़ उनके लिए वर्क कर रही है तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, ज़रूरी नहीं है। हर कैंपेन का अलग अलग गेम होता है, हर कैंपेन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो लैंडिंग पेज जो है सिंपल रखो, अच्छे से रखो और कैंपेन के अकॉर्डिंग रखो, कॉपी मत करो। गाइज याद रखो जो मार्केटिंग का फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और यहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। जब अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाओगे तब आपके एड्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। यहां अगर आप कॉपी करोगे तो बहुत बड़ी मूंग की खाओगे। गाइज देख लो कोई भी ब्रांड है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या कोई भी बड़ा सा बड़ा ब्रांड है, वो कभी कॉपी नहीं करते, वो अपनी थीम्स लॉन्च करते हैं। तो अपना थीम लॉन्च करो जो आपके लिए काम करे। सो गाइस हम बात करेंगे अब तीसरी चीज़ की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपकी ये तीनों पिलर सही हैं और ये तीनों पिलर को आप फिक्स कर देते हैं तो 100% देखना कि आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ेगा। और प्लीज़ अगर आपके को ये गलतियाँ करते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखो और बताओ मुझे कि आप ये गलतियाँ करते हो, और अगर आपको कोई परेशानी है तो वो भी नीचे बताओ। और मैं डेली लाइव्स कर रहा हूँ ऑन आवर फेसबुक पेज, तो वहाँ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो और डेली आप अपने लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। हर रात 9 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद लाइव शुरू होता है हर रात में, जहाँ आप मुझसे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, हर रात मतलब एवरी डे, ठीक है। सो नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और तीसरा जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑफर्स, ठीक है। ऑफर्स बहुत अलग अलग हैं, देखो हर ऑफर मतलब वो जो ईमेल सबमिट ये सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफर यानी नीश की बात कर रहा हूँ कि कौन सा नीश, आप कौन से नीश के बारे में ज़्यादा जानते हो। देखो लोग बोलते हैं कि ये डेटिंग ऑफर बहुत ज़्यादा चलता है जिसमें आप ईमेल सबमिट करा सकते हो, तो स्विफ्ट स्विफ्ट क्या बोलते हैं उसको, स्वीप टेकर के ऑफर्स जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आप उसमें अपना बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो। तो कोई बोलता है कि ये जो कीटो का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, वो काफ़ी अच्छा चलते हैं, तो आप उसमें कन्वर्जन निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, देखो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन निकाल सकते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो। यस गाइज देखना, ये आपको लग रहा होगा बहुत ही अनोखी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। आप एक्सपीरियंस करना इस चीज़ को, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझते हो, उस चीज़ में ही आप बहुत ही अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो। लाइक अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, मोबाइल में एक्सपर्ट हो, पेन में एक्सपर्ट हो, तो उस चीज़ का ऑफर को फाइंड करो। या आप किसी गिफ्ट को पसंद करते हो, गिफ्ट आपकी हॉबी है किसी को देना, मतलब हॉबी नहीं बोलूँगा, मतलब गिफ्ट आप पसंद करते हो, गिफ्ट के बारे में ज़्यादा जानते हो क्या किसको देना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को प्रीफर करो जो आप समझते हो, जो आप जानते हो, ना कि ऐसी चीज़ों को जो अगला बंदा उससे अर्निंग कर रहा है, उस ऑफर से अर्निंग कर रहा है, तो आप भी उस ऑफर से अर्निंग कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर न्यूबी ये तीन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इसको फिक्स नहीं कर पाते हैं और एट द एंड वो अपना पैसा खो देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने ऑफर सेलेक्ट करने जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो मेक श्योर ये चीज आप काम करो और ये तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन है तो मिलो लाइव में ऑन फेसबुक पेज @TOUHIDAHMADOFFICIAL ऑफिशियल। सी यू देयर एट नाइट। बाय बाय एंड जय हिंद।